25 लाख रुपए, इस 25 लाख में इसके बनते ही 2000 थे, तो 2000 बनते थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और हम डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटेंसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। आज हम करेंगे शेयर कैपिटल रिलेटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने आपको सजेस्ट किया था, वैसे ये सैंपल पेपर में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक, इसकी PDF यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी ऐप पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आप पढ़ें, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जूम लिमिटेड इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन ऑफ 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। यानी कि एक कोई कंपनी है जूम लिमिटेड, जिसने 5 लाख जो है शेयर इशू करने के लिए, जिसमें ₹10 ईच, यानी कि ₹10 की एक शेयर की कीमत है, जिसको ये लोग बेचना चाहते हैं प्रीमियम पर, यानी कि प्रीमियम इन्होंने दे रखी है 10%, यानी कि 5 लाख शेयर जो है ये ₹10 की जगह बेचना चाहते हैं ₹11 में बेचना चाहते हैं। ठीक, इसके लिए इन्होंने एप्लीकेशन जो है इनवाइट की है 5 लाख शेयर बेचने के लिए। अब हुआ क्या, हुआ ये कि ये जब शेयर इशू कर रहे थे, इन्होंने तय किया था कि हम पैसे जो है किस्तों में लेंगे। अब वो जो किस्त होती है, इन किस्तों का नाम होता है, किस्त का नाम क्या होता है, एक होती है एप्लीकेशन, दूसरी किस्त होती है अलॉटमेंट, और तीसरी किस्त जो होती है वो होती है कॉल। ये आपको मालूम होगा, ये 3 कॉल होती है। या आपने बोल दिया कि तीन सिर्फ नॉमिनल अकाउंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि जैसे बैंक से पैसे आए तो बैंक से पैसे आए, पैसे कौन से अकाउंट में जाएंगे, जब हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करें तो बैंक एप्लीकेशन वाले अकाउंट में चले गए, इसके बाद कहाँ पहुँच जाएंगे, इसके बाद पहुँच जाएंगे शेयर कैपिटल वाले अकाउंट में। ठीक, तो यानी कि अल्टीमेटली मेन कौन हुआ, बैंक अकाउंट हुआ और शेयर कैपिटल हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉमिनल टाइप का अकाउंट है, इट मीन्स इसमें एक बार अमाउंट जो है डेबिट हो जाएगा, एक बार क्रेडिट हो जाएगा, तो एक बार डेबिट हो जाएगा। ठीक, या डेबिट हुआ तो एक बार क्रेडिट हो जाएगा, मतलब ये पहले भी कुछ नहीं था, अब भी कुछ नहीं है, एक बार डेबिट हो गया, एक बार क्रेडिट हो गया। कोई भी अकाउंट जितने से डेबिट होते से भी क्रेडिट हो जाए, मतलब कि वो खत्म हो गया। ठीक, तो ये बनाए ही इसलिए, ये इंस्टॉलमेंट के अकाउंट है, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का। ये भी क्या होगा कि बैंक से जो पैसा आएगा वो जब आया तब ये अकाउंट क्रेडिट हो गया और बैंक डेबिट हो जाएगा। फिर यही पैसा जब शेयर कैपिटल में जाएगा तो अब क्या हो जाएगा, ये वापस से ये डेबिट हो जाएगा, शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यानी इसकी ये डेबिट क्रेडिट हो गया और ख़त्म, और ये एक बार डेबिट होगा और ये एक बार क्रेडिट होगा। ठीक, तो शेयर कैपिटल अल्टीमेटली क्रेडिट होगा और बैंक अल्टीमेटली क्या होगी, डेबिट होगी। ठीक, तो इसलिए होगा क्या, हर इंस्टॉलमेंट पर दो दो एंट्री बनती है, एक एंट्री तो पैसे ड्यू की, यानी कि पैसा बनता कितना है ये बताने की, और दूसरी एंट्री बनती है एक्चुअल में पैसे आने की। ठीक, ये दो दो एंट्री बनती है, आपको पता होगी शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में, यदि आप पढ़ रखा है तो, नहीं भी पढ़ रखा तो कोई बात नहीं, अल्टीमेट कॉन्सेप्ट यही है कि ये सिर्फ नाम के अकाउंट है और ये इंस्टॉलमेंट के बारे में ये अकाउंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन में हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बात है। इस क्वेश्चन में बात ये है कि जो एप्लीकेशन वाली जो किस्त है इस पर ₹3 आ रहे हैं, अलॉटमेंट वाली जो किस्त है इस पर ये लोग मांग रहे हैं ₹5, लेकिन इस ₹5 को दो टुकड़ों में बांट दिया इन्होंने, यानी कि ₹4 तो ये अलॉटमेंट के लेंगे और ₹1 ये जो है प्रीमियम के लेंगे। ठीक है, फिर कॉल पर जो बचे हुए पैसे हैं वो कॉल पर लेंगे ₹3। ठीक है, यानी इस तरीके से ये लोग कितने टोटल पैसे मांगेंगे, एप्लीकेशन पर ₹3। अब 5 लाख शेयर पर यदि आप देखें तो ₹3 के हिसाब से कितने आ जाएंगे, ₹15 लाख। फिर 5 लाख शेयर पर ₹4 के हिसाब से यदि आप देखेंगे 5 लाख शेयर पर तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5 20 लाख रुपए, और ₹1 के प्रीमियम का तो ये हो गया आपका कितना, ₹5 लाख। फिर यहां पर कितना हो गया, ये हो गया ₹15 लाख, 5 15 लाख रुपए। यानी कि टोटल मिलाकर के यदि हम देखते हैं तो 5 लाख पर ₹11 के हिसाब से कितना बनता है, ₹55 लाख। तो ₹55 लाख कैसे आ रहे हैं, 15 लाख यहां पर, 20 यहां पर, 35, 35 और 5 40, 40 और 15, 55 लाख। ठीक, इस 55 लाख में जो है ₹5 लाख किसके हैं, ₹5 लाख जो है प्रीमियम के हैं, बाकी के कहाँ हैं, बाकी किस चीज के हैं, बाकी के जो है वो शेयर कैपिटल के, राइट, बाकी के क्या है, शेयर कैपिटल के पैसे हैं। ठीक,
तो अब हमें करना क्या है, हमें करना है, हमें इसकी जर्नल एंट्रीज बनाना है। तो वो जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो अब आप देखें क्वेश्चन को, क्वेश्चन ये देखते हैं हम कि इन्होंने शेयर इशू किए। अब शेयर इशू किए तो शेयर इशू तो करना चाहते थे 5 लाख, और चाहते का मतलब 5 लाख ही इशू किए, मतलब शेयर देना चाहते हैं। लेकिन एप्लीकेशन कितनी आ गई, एप्लीकेशन आ गई 6,60,000 रुपये की, 6,60,000 जो है एप्लीकेशन आ गई। अब 6,60,000 एप्लीकेशन आ गई है तो उस पर पैसा भी आया होगा, 3 रुपये के हिसाब से कितना रुपये आ गया, 3 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई किया तो 19,80,000 रुपये इनके पास आ गए। तो सबसे पहले हमने इसकी एंट्री बना दी, भाई पैसे आए बैंक अकाउंट डेबिट की कितने रुपये आए, 19,80,000 रुपये। और इसको हम कौन सा अकाउंट में डाल रहे हैं, इसको हम टेम्प्रेरी अकाउंट डाल रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना कि एप्लीकेशन क्या है, टेम्प्रेरी अकाउंट है, तो इस टेम्प्रेरी अकाउंट में हमने डाल दिया 19,80,000 रुपये पहुँचा दिए। ठीक, अब एक बार ये क्रेडिट हो गया, अब इसको वापस क्या करना है, डेबिट करना है। 19,80,000 रुपये आए हैं लेकिन आना कितने चाहिए थे, 15 लाख ही आना चाहिए थे। तो जो एक्स्ट्रा है उसका हमें कुछ ना कुछ करना होगा, एक्स्ट्रा है तो उसका क्या करना है वो हम देखते हैं। हम सबसे पहले तो यहाँ लिख देते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि इस 19,80,000 रुपये का हमें हिसाब बताना है। एक एंट्री होगी पैसा आने की, अब दूसरा एंट्री होगी इसका ड्यू अमाउंट बताने की, कि किसका इसका अमाउंट कहाँ कहाँ क्या एडजस्ट किया ये बताने का। तो एप्लीकेशन अकाउंट हमने लिखा 19,80,000 रुपये डेबिट, यानी कि ये अकाउंट खाली करने के लिए। अब ये अकाउंट खाली होगा तो पैसा जाएगा, देखो तो पैसा जाता है यूजुअली टू शेयर कैपिटल अकाउंट में। मान लो कि ये 15 लाख रुपये ही आते तो हम यहाँ 15 लाख रुपये लिख देते, यहाँ पर लिख देते और यहाँ पर भी हम 15 लाख लिख देते और शेयर कैपिटल में 15 लाख रुपये पूरे ऐसे से पहुँचा देते। लेकिन हुआ यह है कि 15 लाख रुपये नहीं आए, आए ज़्यादा 19,80,000 रुपये आ गया। अभी ज़्यादा आ गए तो इसका क्या कर सकते हैं, देखिए 5 लाख लोगों ने अप्लाई करना चाहता, ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया। एक रास्ता ये हो सकता है कि जिन्होंने ज़्यादा अप्लाई किया है उनके पैसे हम वापस लौटा दें। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है, दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि जिन लोगों ने ज़्यादा के लिए अप्लाई किया उनको थोड़ा थोड़ा कम कम करके दे दें। मतलब किसी जिसने 1,000 के लिए अप्लाई किया उसको 500 दे दें, 2,000 के लिए अप्लाई किया उसको हम 1,000 दे दें, जिसने 5,000 के लिए अप्लाई किया है उसको हम 2,500 दे दें, किसी एक रेशियो में उनको दे दें। यदि हम रेशियो में शेयर दे देते तो इसको हम प्रोडाटा बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन में यदि आप देखें तो इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ें दे रखी है। देखें आप इसमें दे रखा है कि एप्लीकेंट आप 4 लाख शेयर वर अलॉटेड इन फुल, यानी 4 लाख शेयर के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनको क्या कर रहे हैं, फुल अलॉट कर रहे हैं। मतलब यानी कि उनका इतना ही बनता है एप्लीकेशन पर जितना वो दे रहे हैं। फिर बाकी के जो 2 लाख शेयर, 2 लाख शेयर के शेयर होल्डर जो हैं, 2 लाख लोगों ने क्या किया कि उनको हमने क्या कर दिया, उनको हमने 50% प्रोटा दिया, यानी कि उनको हम 2 लाख के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन हम उनको देंगे कितने, 1 लाख शेयर ही देंगे। अब 1 लाख शेयर ही हम देंगे तो देखिए एप्लीकेशन पर उनका पैसा आया कितना, उनका पैसा आया 3 रुपये के हिसाब से उनका जो आ गया कितना आ गया, ये 12 लाख है और उनका ये 6 लाख रुपये आ गया। तो 6 लाख रुपए आ गए लेकिन एप्लीकेशन पर हम उनको दे रहे हैं खाली सिर्फ 1 लाख शेयर, तो एप्लीकेशन पे बनेंगे कितने, सिर्फ 3 लाख रुपए बनेंगे, यानी कि उनके बनेंगे 3 लाख रुपए। और अलॉटमेंट पर, यानी कि जो बाकी का जो बचा हुआ है वो अलॉटमेंट पर हम जो है वो नेक्स्ट किस्त में किसके नाम पर हम लिख देंगे। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि 2 लाख शेयर पर जिन्होंने अप्लाई किया है 3 रुपये के हिसाब से उन्होंने दिए 6 लाख रुपये, ठीक, लेकिन उनको हम दे रहे हैं 1 लाख शेयर, तो 1 लाख शेयर पर पहली किस्त का कितना पैसा बनेगा, 3 लाख रुपए बनेगा, ठीक। बाकी का जो 3 लाख रुपए बचा हुआ है वो उनका एज ए एडवांस के तौर पे हमारे पास रहेगा, एडवांस के तौर पर, लेकिन हम कौन सी किस्त में एडजस्ट कर देंगे, हम नेक्स्ट किस्त में एडजस्ट कर देंगे। नेक्स्ट किस्त में कितना एडजस्ट कर देंगे, 3 लाख रुपए, ठीक, ये वाली बात हुई, ठीक। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, अब एक चीज़ तो है कि पैसे वापस कर दें, तो पैसे वापस करने वाली बात भी इसमें लिखी हुई है कि एप्लीकेंट आप 60,000 शेयर वर इश्यूड लेटर ऑफ रिग्रेट, यानी कि 60,000 शेयर को तो हमने क्या कर दिया, 60,000 जो शेयर हैं उनको एप्लीकेशन जो है उनको हमने वापस कर दिया। जब हम वापस करते हैं तो क्या लिख देते हैं, हम लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट। पैसे आते हैं तब बैंक अकाउंट डेबिट होता है, तो पैसे जा रहे हैं तब क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे, 60,000 शेयर होल्डर वालों को जिन्होंने अप्लाई किया था, जिन्होंने 3-3 रुपये दिए थे 60,000 शेयर पर, यानी कि हमें टोटल 1,80,000 रुपये दिए थे, उनको तो हमने पैसे वापस लौटा दिए। दूसरी चीज़ ये कि
कुछ लोगों से हम पैसे एडवांस ले रहे हैं। अब जितने एडवांस कितने ले रहे हैं, हम 3 लाख रुपए एडवांस ले रहे हैं। ये 3 लाख रुपए एडवांस ले रहे हैं कौन से किस्त के नाम पर, हम ले रहे हैं नेक्स्ट किस्त के नाम पर। और नेक्स्ट किस्त का नाम क्या है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट। तो हम ये लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, कितने एडवांस ले रहे हैं, हम एडवांस ले रहे हैं 3 लाख रुपए। ये वो अमाउंट है जो एडवांस हम हमारे पास आ गया है या हम रख रहे हैं। ये वो अमाउंट है जो हम वापस कर रहे हैं। और ये वो अमाउंट है जितना मतलब जो हम शेयर रियल में दे सकते हैं। तो दे कौन से सकते हैं, एक तो ये फुल इनको लॉट किया 12 लाख रुपए ये, और 3 लाख रुपए ये, जो 2 लाख वालों को 1 लाख दिए नहीं है, तो टोटल मिला के 15 लाख रुपए। ये अमाउंट के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, 15 लाख यहां से ले लो आप, जो हम दे सकते हैं, बाकी सब तो एक्स्ट्रा है। तो हम दे सकते, कितने सकते थे, 15 लाख रुपए एप्लीकेशन पर हम ले सकते हैं, यानी कि 5 लाख शेयर पर हम 3 रुपए के हिसाब से टोटल पैसे ले सकते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर। तो 15 लाख रुपए दिए हो गए, 1,80,000 रुपए वापस कर दिए, और 3 लाख रुपए जो हमने नेक्स्ट किस्त पर एडजस्ट कर लिए। बस इतनी सी ही बात है, ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। ये जो है पैसे शेयर कैपिटल में और बाकी जगह ट्रांसफर हो गए, ठीक है, इसकी नरेशन लिख सकते हैं आप। थर्ड क्या हुआ, थर्ड ये होगा कि अब जो है हम नेक्स्ट किस्त के डिमांड करेंगे। अब नेक्स्ट किस्त की हमें डिमांड करना है, हमें पैसे मांगना है या ड्यू पैसे बताना है। देखो पहली किस्त में क्या होता है कि पैसे पहले आते हैं और उसको ड्यू बाद में दिखाते हैं, क्योंकि जैसे आप एडमिशन लेने गए तो जब आप पहली बार पैसे देंगे जमा करेंगे तभी तो एडमिशन होता है ना। दूसरी बार क्या होता है, खुद आपसे स्कूल मांगता है कि भाई आपके फीस ड्यू है जमा करवाओ, तो ड्यू दूसरी किस्त से क्या होगा, ड्यू वाली एंट्री पहले बनेगी। ड्यू वाली एंट्री कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब शेयर अलॉटमेंट पर पैसे कितने बनेंगे, अलॉटमेंट पर बनेंगे अपने 5, 4 और 1, 5 रुपए, यानी कि 20 और 5, 25 लाख रुपए। और 25 लाख रुपए, और इसमें शेयर कैपिटल कितने हैं, शेयर कैपिटल के हैं 4 रुपए के हिसाब से और 1 रुपए प्रीमियम के हिसाब से। तो जो प्रीमियम के हिसाब से है उसको हम बोलेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, तो 2 SPR हमने लिख दिया। अब ये आ गया यहाँ पर 25 लाख रुपए, 5 रुपए हम ले रहे हैं इसलिए 5 लाख शेयर पर हो गया 25 लाख रुपए, 25 लाख। ठीक, और तो शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा, शेयर कैपिटल में आ जाएगा आपका 20 लाख रुपए, 4 रुपए के हिसाब से 5 लाख पर हो गया 20 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना चल जाएगा, 5 लाख रुपए। ठीक है, ये हमने शेयर अलॉटमेंट का पैसे मांगे। अब जब ये पैसे आएंगे, जब ये पैसे आएंगे तो क्या होगा, पैसा आएंगे तो हम एंट्री बनाएंगे। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां पर एक बेसिक सी बात यह है कि 25 लाख रुपए टोटल शेयर अलॉटमेंट पर ड्यू है या शेयर अलॉटमेंट के बनते हैं। इसमें से 3 लाख रुपए तो पहले से ही एडवांस के तौर पे आ चुके हैं, ये रहे 3 लाख रुपए पहले से ही आ चुके हैं। तो जो 3 लाख रुपए पहले से आ गए तो वापस आने की जरूरत है क्या, वापस आने की जरूरत नहीं है। तो 25 में से 3 लाख तो पहले से ही आ चुके हैं, यानी कि अब नहीं आएंगे। तो अब आएंगे कितने, अब आएंगे जो है 22 लाख रुपए। ठीक, 22 लाख रुपए। ठीक है, अब इसके अलावा यहां 22 लाख रुपए लिख दिया तो यहां पर भी मुझे 22 लाख रुपए लिख देना चाहिए, लेकिन कुछ और लफड़े भी इसमें दे रखे हैं क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में और लफड़े क्या दे रखे हैं, इसमें दे रखा है कि एक शेयर होल्डर है 500 शेयर का, कितने शेयर का, 500 शेयर का, जिसने फुल अमाउंट दे दिया। भाई इतना बड़ा लखपति है कि उसने अलॉटमेंट का तो पैसा दे ही दिया, कॉल का भी पैसा भी इसे दे दिया। तो देखो कॉल कितने का है, कॉल इसमें क्वेश्चन में शुरुआत में भी आपको दे रखा है, शुरुआत में आपको दे रखा है कि 3 रुपए कॉल के। तो उसने अलॉटमेंट तो देना ही बनता है, उस तो कोई वाली बात ही नहीं है, कॉल का भी अभी से ही दे दिया, यानी कि इसने 1500 रुपए हमको क्या कर दिए, एडवांस में दे दिए, क्या कर दिए, एडवांस में हमको दे दिए। तो हम यहां पर उसको लिख देंगे टू जो है टू, हम लिख देंगे टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। एडवांस में कितने आ गए, 1500 रुपए आ गए। एक चीज तो ये हो गई 1500 रुपए हमारे पास कॉल्स इन एडवांस आ गए। दूसरी चीज क्या हुई, दूसरी चीज ये हुई क्वेश्चन में दे रखा है कि 1000 शेयर का,
है ना, दे रखा पढ़ना इसमें, अनदर शेयर होल्डर अप टू हुम 1000 शेयर अलॉटेड इन कैटेगरी बी फेल्ड टू पे ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो 1000 शेयर होल्डर, 1000 का जो जो जिसके पास शेयर हमने उनको अलॉट किए हैं, वो बंदा जो है, वो बंदा क्या हुआ, वो बंदा जो हमें अलॉटमेंट के पैसे भी नहीं दे पाया। अब अलॉटमेंट के पैसे नहीं दे पाया तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 × 5 किया हमने, तो 5000 रुपये टोटल अलॉटमेंट पर उसका ड्यू बनता है। लेकिन यहाँ एक ध्यान रखने लायक एक और बात है कि वो जो बंदा, वो बंदा कैटेगरी ए का नहीं, कैटेगरी बी का है। कैटेगरी बी यानी जिसके जिसके शेयर अलॉटमेंट पर हमारे पास, मतलब शेयर अलॉटमेंट के नाम से हमने 3 लाख रुपये पहले से एडवांस ले रखे हैं, ठीक, पहले से एडवांस हमारे पास पड़े हुए हैं। तो यानी कि 3 रुपए के हिसाब से इस बंदे के एडवांस पड़े हुए होंगे, इस बंदे के 1000 शेयर पर 3 रुपए के एडवांस से एप्लीकेशन के टाइम के एडवांस पड़े होंगे। तो इसके जो एडवांस पड़े हुए हैं वो कितने हैं, 3000 रुपए तो पहले से एडवांस है, यानी कि बचा कितना, बचा सिर्फ 2000 रुपए। तो ये 2000 रुपए जो है ये नहीं दे पाया, ही फेल्ड टू पे दिस 2000 ओनली। तो हमारा कॉल्स इन एरियर, इसको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितना हुआ, सिर्फ 2000 रुपए हुआ। एक बार और समझ लो, 1000 शेयर थे उसके पास, 5 रुपए के हिसाब से वो यानी कि 5000 रुपए बनते हैं टोटल। लेकिन इस ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी बी है, कैटेगरी बी यानी कि ये जो 1000 शेयर होल्डर वाला जो है, इसने 2000 के लिए अप्लाई किया होगा, हमने दिए इसको 1000 ही होंगे, तो 1000 के इसके पैसे जो है एडवांस पड़े हुए हैं, तो 1000 के पैसे एडवांस पड़े हुए हैं 3000 रुपए, तो ये कितना हो गया, 2000 रुपए ही इसके जो है बचे थे, यानी हम इसके बनते ही 2000 थे, तो 2000 बनते थे जो कि वो दे नहीं पाया। तो इसको हम यहाँ एंट्री बनाएंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, नुकसान हमेशा डेबिट होता है, तो डेबिट कितने से, 2000 रुपए से, 2000 रुपए से, ठीक। अब आप देखें कि ये जो अमाउंट है 25 लाख रुपए, इस 25 लाख में से 3 लाख तो अपने 3 लाख तो वो चले गए जो एडवांस से पहले गए, 25 में से 3 तो ये चले गए। मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ये मिटा देता हूँ, 25 में से इस 25 में से 3 तो वो चले गए, 25 में से 3 तो वो चले गए जो आना ही नहीं थे, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। बचे कितने हैं, 22 लाख रुपये, ठीक, 22 लाख रुपये, 2-3 ज़्यादा हो गया, 22 लाख रुपए। अब इस 22 लाख रुपए में भी एक लफड़ा हो गया, लफड़ा क्या हो गया कि 2000 रुपए एक व्यक्ति ने नहीं दिए और एक व्यक्ति ने 1500 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, मतलब एडवांस में दे दिए, यानी कि अल्टीमेटली फर्क कितने का पड़ रहा है, 22 लाख में फर्क पड़ रहा है 500 रुपए का, 2000 प्लस हो रहे हैं और 1500 माइनस हो रहे हैं, तो 500 रुपए फर्क पड़ रहा है, यानी 22 लाख में से 500 रुपए यदि हम कम कर देते हैं तो ये बन गया 21,99,500, यानी कि बैंक में पैसा कितना आया होगा, 21,99,500, 21,99,500 रुपए जो है वो बैंक में आए होंगे, ठीक है, बात क्लियर है। अब दिस नेक्स्ट चीज, शेयर अलॉटमेंट के बाद में हम नेक्स्ट एंट्री बनाते हैं कॉल्स की, या मान लो किसी को हम फोर फीचर कर रहे हैं तो पहले उसकी एंट्री बनाएंगे। इस क्वेश्चन में यदि हम पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में लास्ट में दिया है कि कॉल नॉट येट बीन मेट, यानी कि कॉल के तो पैसे भी उन्होंने मांगे ही नहीं है, तो कॉल की एंट्री तो बनाना नहीं। लेकिन इसमें जो है हमें फोर फीचर करने का जरूर बोला है कि जो 1000 शेयर, ये जो 1000 शेयर वाला जो बंदा है, इसके शेयर हमने इमीडिएटली फोर फीचर कर लिए। अब फोर फीचर करते वक्त हमें करना क्या है, भाई जो जब हम शेयर देते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट का करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो अब हम उससे शेयर वापस ले रहे हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मतलब कुछ जैसे हम रेक्टिफिकेशन अवेलेबल पढ़ते थे कि उल्टी एंट्री कर दो तो वो इफेक्ट जो है खत्म हो जाता है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमने क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। अब डेबिट कितने से करना पड़ेगा, जितने से हमने उसको क्रेडिट कर चुके हैं अभी तक। हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे मांगे हमने शेयर कैपिटल पर 3 और 4 7 रुपए, तो टोटल हमने 7000 रुपए अभी तक जो है ड्यू है हमारे, मांगे कितने वो वाले देखा जाएगा, ठीक है, आया कितना है उससे ध्यान ध्यान नहीं देना है। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पर भी हमने इसके नाम पर जो हमने ऑलरेडी क्रेडिट कर रखा है, कितना डेबिट क्रेडिट कर रखा था हमने, 1 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये, तो वो हमने अब डेबिट कर दिया, ठीक, डेबिट कर दिया, तो ये क्या हो गया, इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा ऑलरेडी,
दूसरी चीज ये कि दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि जो जितना पैसा इसके पास से आ चुका है, जितना भी पैसा आ चुका है वो सब पैसा कहाँ जाएगा, वो सारा पैसा जाएगा फोर फ्यूचर में। ठीक, जब तक करने का मतलब ये होगा कि जितना पैसा तूने दिया था वो तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, और तेरे पास चीज भी नहीं रहेगी। जब तक करने का तो सिंपल आप फंडा देखो, जैसे मान लीजिए आपने एक कार आपने जो है लोन पे ली, अब वो कार के मान लो आप दो किस्त दे दी और बाकी की दो किस्त आपने दिए या बाकी कुछ किस्त आपने नहीं दिए, तो जितने किस्त आपने दे दिए वो पैसा तो वो खाई जाएंगे, मतलब वो पैसा तो वो आपको जब्त कर लेंगे, फोर फीचर कर लेंगे, और जो है आपकी चीज भी वो आपसे वापस ले लेंगे। तो इसी टाइप से जो आपको शेयर दिए थे, शेयर कोई क्या है, शेयर मतलब एक अधिकार, तो वो अधिकार जो है वो राइट जो है आपसे ले लेंगे, और जो पैसे आपने दिए थे अभी तक जो जमा किए थे वो भी आपके पैसे भी डूब जाएंगे। तो जो पैसे जो कंपनी दूसरों के जो पैसे डुबा रही है इस तरीके से, जो कंपनी जब्त कर रही है उसका एक अकाउंट बनाया, वो अकाउंट का नाम क्या है, टू फोर फीचर अकाउंट। देखो देखा जाए तो ये क्या है, ये कंपनी के लिए फायदा है, और फायदा क्या होता है, भले वो किसी भी तरीके से फायदा, लेकिन फायदा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो फोर फीचर क्या होगा, क्रेडिट होगा, टू फोर फीचर अकाउंट। कितने रुपये, जितना पैसा आ चुका है, पैसा कितना है उसके पास से, 1000 शेयर पर 3 रुपये तो उसने दिए थे और 3 रुपये एडवांस, यानी कि 6000 रुपये टोटल उसने दिए थे, 6000 रुपये टोटल उसने दिए थे। ठीक, इसके अलावा बाकी क्या है, बाकी उसका कॉल्स इन एरियर है। अच्छा, इसी को मैं आपको दूसरे तरीके से समझा देता हूँ, इस पर ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना हो तो। जितने भी पैसे उसके ड्यू है वो तो आपने लिख दिए, कॉल्स इन एरियर भी जिसके फोर फीचर उसको ही करना जिसका कॉल्स इन एरियर है, तो कॉल्स इन एरियर का आपने पहले जो एंट्री बनाई उसमें देख सकते हैं कि कॉल्स इन एरियर कितने का है, 2000 का है, तो वो यहाँ लिख दो, और जो बैलेंस अमाउंट आएगा वो फोर फीचर में चल जाएगा, और बैलेंस उतना ही होगा जितना पैसा उसने दिया है। ठीक, तो ये हो गया आपका फोर फीचर की एंट्री बन गई, एक इसकी एंट्री बन गई, फोर फीचर की एंट्री बन गई। ठीक, ये कौन सा नंबर पर आएगी, ये आएगी आपको पांचवें नंबर पर। छठे नंबर पर आपको क्या करना है, ये जो फोर फीचर किए हुए शेयर हैं इनको हमने वापस बेच दिए। अब वापस जब हमने बेच दिए तो हमारे पास क्या आए होंगे, पैसा आए होंगे, तो पैसा आया तो हमने लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए में बेचा, 14 रुपीज में शेयर बेचा वापस, तो 14 रुपीज में शेयर बेचे, 1000 शेयर बेच दिए पूरे के पूरे बेच दिए, तो कितना आ गए, 14000 रुपीज आ गए। ठीक, अब 14000 रुपीज आ गए, इसमें से पेडअप कितना उसका, 7 रुपए पेडअप के हिसाब से रखा है, 7 रुपए मतलब किस हिसाब से उसको बेचना है हमारे बुक में, तो उसको हम टू शेयर कैपिटल अकाउंट से लिखेंगे 7 × 1000, 7000 रुपये, यानी कि हमने 7000 रुपये की चीज को बेचा 14000 रुपये में, ऐसा। तो बाकी का जो पैसा क्या है, बाकी का जो पैसा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, कितना रुपये, 7000 रुपये। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मान लो आपने ये जो है इस शेयर कैपिटल में पेडअप लिखा हुआ था, मान लो 7 रुपये लिखा हुआ है, तो 7000 रुपये लिखा हुआ है, और इसको हमने बेचा है 5 रुपये में, तो यहाँ कितना आते, 5000 रुपये आते, तो 7000 रुपये यहाँ है, 7000 के माल को 5000 में बेचा, तो 2000 रुपये का हमको लॉस हो रहा, तो वो 2000 रुपये का लॉस हम कहाँ से कवर करते, 2000 रुपये का लॉस हम यहाँ से कवर करते, ये जो फोर फीचर अकाउंट या क्रेडिट है ना, यहाँ पर लिखते हैं हम डेबिट में, फोर फीचर अकाउंट डेबिट, कितना, 2000 रुपये लिख देते। ठीक, उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि फोर फीचर में 6000 रुपये था, 2000 रुपये यूज़ हो गया, जो बचा हुआ है वो कहाँ डाल देते हैं, अब डाल देते हैं हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, है ना, कैपिटल रिजर्व है ना, सिक्योरिटी रिजर्व नहीं, कैपिटल रिजर्व में हम डाल देते हैं जो बाकी का बचा हुआ पैसा है। अब फिलहाल क्या हुआ, फिलहाल इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब ज़रूरत नहीं पड़ी तो भी कोई बात नहीं, जब फोर फीचर करने के बाद में रीइश्यू भी हमने दिया कर देते, ये रीइश्यू की एंट्री है, रीइश्यू, ये रीइश्यू भी हमने कर दिया, अब रीइश्यू कर दिया, अब इसके बाद में ये जो फोर फीचर में जो पैसा पड़ा हुआ है किसी कुछ काम है क्या, इसका नहीं काम है, इसको सिर्फ और सिर्फ इसी समय यूज़ में ले सकते हैं, तो यूज़ लेने का टाइम ख़त्म, तो अब हम क्या कर देंगे, इसको हम कैपिटल रिजर्व डाल देंगे, तो हम लिखेंगे फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना रुपया,
6000 रुपये ऐसा कैसा डाल देंगे, ठीक है। और इसमें डायरेक्शन लिख देंगे बीइंग फोर अमाउंट ऑफ फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो कॉल की एंट्री हमने बनाई नहीं क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बनाना नहीं थी। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होगी। फॉरफीचर की एंट्री है, री इश्यू की है और ये कैपिटल रिजर्व में पैसे ट्रांसफर करने की एंट्री है, ठीक। ये क्वेश्चन शायद मैंने कुछ जरूरत से ज़्यादा ही खींच दिया, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आया हो। आया हो तो अच्छी बात है, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब तो कोई भी नहीं करता यार, करा करो थोड़ा बहुत। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।